दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि सऊदी अरब तुर्की से अकिंची ड्रोन ही क्यों ले रहा है, जबकि तुर्की के पास सबसे घातक ड्रोन TB2 भी मौजूद है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब ने तुर्की के साथ अकिंची ड्रोन की महाडील की है। तुर्की की ड्रोन निर्माता कंपनी बाइकर ने कहा कि उसने रॉयल सऊदी वायुसेना और नौसेना के लिए अपने अकिंची ड्रोन को सऊदी अरब में निर्यात करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब जबकि तुर्की की बाइकर कंपनी बायरक्तार TB2 ड्रोन भी बनाती है, इस ड्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध में जमकर तबाही मचाई है। मंगलवार को घोषित अकिंची डील को तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन सऊदी अरब की यात्रा के दौरान फाइनल किए थे। बाइकर ने सऊदी अरब के साथ हुई इस डील की राशि या ड्रोन के नंबरों को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते तुर्की में होने वाले इंटरनेशनल डिफेंस फेस्ट के दौरान इस डील पर और अधिक जानकारी मिल सकती है। वैसे आपको बता दें कि तुर्की के इतिहास का ये सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना गया है, क्योंकि बाइकर के CEO ने इस सौदे को तुर्की के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा और एविएशन एक्सपोर्ट डील करार दिया है। इस समझौते पर सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान और तुर्की के रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं ड्रोन के अलावा सौदे में कहा गया है कि बाइकर सऊदी अरब वायुसेना और नौसेना को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, लॉजिस्टिक संभावनाएं भी प्रदान करेगा। साथ ही बाइकर ने कहा कि प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सऊदी अरब के लिए प्राथमिकता है और इस सौदे का हिस्सा है। वहीं कंपनी ने यह भी कहा कि यह सौदा आने वाले समय में दोनों देशों के उच्च तकनीक विकास क्षमताओं को आगे बढ़ाएगा। अब दोस्तों सऊदी अरब ने अकिंची ड्रोन ही क्यों खरीदा, तो सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने कहा कि देश के सशस्त्र बलों की तैयारी बढ़ाने और इसकी रक्षा और निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बाइकर के साथ दो अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनी के अनुसार बैरक्टार का अकिंची ड्रोन अगस्त 2021 में तुर्की की सेना में शामिल हुआ था और इस ड्रोन को पाकिस्तान समेत कुल 6 देशों ने खरीदा है, लिहाजा सऊदी अरब ने तुर्की से अकिंची ड्रोन को लेकर ही डील की है। अब दोस्तों अकिंची ड्रोन क्यों खतरनाक है उसे जान लेते हैं। तो अकिंची ड्रोन अत्यधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह ड्रोन निगरानी और जासूसी मिशन को अंजाम देने के अलावा दुश्मन पर हमले भी कर सकता है। अकिंची ड्रोन 5.5 टन अधिकतम वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसमें 1350 किलोग्राम का पेलोड भी शामिल है। साथ ही अकिंची में 2 टर्बो पॉप इंजन भी लगे हुए हैं, जो 4.5 और 7.5 हॉर्स पावर के रूप में 2 अलग अलग प्रकार के थ्रस्ट को पैदा करते हैं। इस ड्रोन को अत्यधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए इसी से ऊर्जा मिलती है। साथ ही अकिंची ड्रोन क्रूज मिसाइल भी दाग सकता है। तुर्की के मुताबिक अकिंची ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट और काउंटर मेजर सिस्टम, ड्यूअल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर टू एयर रडार, साथ ही टक्कर से बचाने वाले रडार और उन्नत सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस है। अकिंची ड्रोन ने 6 दिसंबर 2019 को पहली बार 16 मिनट की उड़ान भरी और सफल लैंडिंग की थी। इस दौरान ड्रोन ने स्वचालित टैक्सी टेकऑफ परीक्षण को भी पूरा किया। साथ ही अकिंची वो पहला UAV है जो हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। लिहाजा दोस्तों इसलिए सऊदी अरब ने तुर्की से अकिंची ड्रोन लेना ही किफायती समझा।